स्टूडेंट, ये जो आर्किबैक्टीरिया है, ये टॉपिक अब दोबारा पढ़ना है तुम्हारे को। पहले मैं ये करवा चुका हूँ सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन मैंने आर्किबैक्टीरिया कराया था, तो इस चैप्टर में ये आएगा, क्योंकि मेनली ये मोनेरा किंगडम का टॉपिक है। पहले किंगडम में तो हमने सिक्स किंगडम सिस्टम की वजह से करवा दिया था इसको, लेकिन ये पूरा मोनेरा किंगडम का टॉपिक है, तो मोनेरा किंगडम में ये पढ़ लेना, जो पहले ये पढ़ना, फिर मोनेरा किंगडम आगे स्टार्ट करना जो, ठीक है। एनसीईआरटी की कुछ लाइन है वो बता रहा हूँ मैं, जो एनसीईआरटी की लाइन, हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं, कैन लिव विदाउट ओटी, एनसीईआरटी की लाइन है ये, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आती है क्वेश्चन एग्जाम में। जो इसका मतलब ऑक्सीजन होगी तो भी, अगर ऑक्सीजन ना भी होगी तो भी माइक्रो प्लाज्मा सर्वाइव कर जाएंगे, तभी तो पैरासाइट है। पैरासाइट बगैर ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं, ये पैरासाइट है इसलिए बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेगी। बैक्टीरिया किस किस चीज को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया कैन डैमेज, बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे को, वुमेन को, फसलों को, फार्म एनिमल्स, खेत के अंदर जो पशु काम आते हैं, डॉग कैट जो पैट एनिमल है, उनको सबको नुकसान कर सकता है। सिट्रस कैंकर एक बीमारी है प्लांट की, सिट्रस में होती है, सिट्रस कैंकर डिजीज इज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होती है सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया का नाम है जैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर बीमारी जैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया से होती है। ये एनसीईआरटी की तब डिटेल ले रहा हूँ। गैस्ट्रिक अल्सर एक बीमारी है जिसमें पेट में घाव हो जाते हैं और मुंह से ब्लड आने लग जाते हैं, पेट में घाव होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, किस बैक्टीरिया से होती है ये बीमारी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब मैं कुछ टॉक्सिन बता रहा हूँ, विब्रियो कोलरी ये एक टॉक्सिन जहर छोड़ता है, उस जहर को बोलते हैं एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन मीन्स दिस टॉक्सिन डैमेज एलिमेंट्री कैनाल, खाने वाली ट्यूब को अफेक्ट करेगी, एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करेगी विब्रियो कोलरी, ये एंटीटॉक्सिन है। इसके अलावा एक टॉक्सिन है जिसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है कोराइनोबैक्टीरियम, कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। इसकी टॉक्सिन जो है साइटोटॉक्सिन है, सेल को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज सेल। तीसरा, इससे खसरा गलघोंटू बीमारी होती थी डिफ्थीरिया से, अगर हमारे शरीर में कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी चला जाएगा तो हमारे गलघोंटू बीमारी हो जाएगी और हमारी सेल नुकसान होगा साइटोटॉक्सिन से। हमारे शरीर में विब्रियो कोलरी चला जाएगा तो हमारे को हैजा हो जाएगा और हैजा इस जहर से होता है, एंटीरोटॉक्सिन से होता है। हमारी बॉडी में अगर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम चला जाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और इसकी टॉक्सिन जो होती है, इसका जो जहर होता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन, और न्यूरोटॉक्सिन ये स्टॉप इम्पल्स कंडक्शन,
इम्पल्स कंडक्शन, शरीर में करंट जाता है हमारे न्यूरॉन से, वो जाना बंद हो जाएगा। जो बैक्टीरियाज आल्सो हेल्प इन पेडोजेनेसिस, और पेडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन, ये मिट्टी जो बनती है, बैक्टीरिया मिट्टी बनने में काम आते हैं। एक बैक्टीरिया है राइजोफोरा फाउंड, ये कहाँ मिलता है, ऑन द सरफेस ऑफ रूट इन ग्रासेस, घास वगैरह के रूट के सरफेस पे मिलता है। दिस बैक्टीरिया मेक एसिडिक एनवायरनमेंट, और दिस एसिडिक एनवायरनमेंट राइजोफोरा जो है ये ग्रास है, ये ग्रास रूट है, ग्रास की रूट ऑफ ग्रास यहाँ मिलेंगे ये बैक्टीरिया, और यहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट कर देंगे, और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से फॉस्फेट घुल जाएगा और फॉस्फेट अब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस एसिडिक एनवायरनमेंट डिजोल्व फॉस्फेट एंड इट इज अब्जॉर्ब्ड, फॉस्फेट अब्जॉर्ब होने में काम आती है बैक्टीरिया, एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है जिससे फॉस्फेट घुल जाता है और पेड़ ले जाता है उसको। अगर ये राइजोफोरा बैक्टीरिया नहीं होगा इस घास के ऊपर तो फॉस्फेट अब्जॉर्ब नहीं होगा, फॉस्फेट अब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, एल्गल ब्लूम जो बताया था मैंने, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, किस साइनोबैक्टीरिया से होता है, तो हम बोलेंगे माइक्रोसिस्टिस। एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं, किस साइनोबैक्टीरिया से होता है, माइक्रोसिस्टिस। और ये मछलियों की डेथ कर देता है, जो डेथ ऑफ फिशेस। मैंने बताया था लिंगवेया जो साइनोबैक्टीरिया था इससे एंटीबायोटिक तो निकलती है इस साइनोबैक्टीरिया से, ये स्किन इन्फेक्शन भी करता है, आल्सो काज स्किन इन्फेक्शन। लिंगवेया जो है उससे स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है। जो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको बोलते हैं डाइअज़ोटोफ, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम नाइट्रोजन फिक्सेशन करे उसको डाइअज़ोटोफ बोलते हैं, एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं जो। मैंने निफ जीन बताए थे, एन आई का मतलब नाइट्रोजन, एफ का मतलब फिक्सिंग, जो जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन काम आए उसको निफ जीन बोलते हैं। ये 17 जीन होते हैं, दीज आर 17 जीन्स, 17 जीन होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, इनको निफ जीन बोलते हैं। जो बैक्टीरियाज आर यूबीक्विटस, इसका मतलब क्या है, यूबीक्विटस का मतलब है कॉस्मोपोलिटन। तुम बोलो जी कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, मैं बोलूँगा ओमनीप्रेजेंट। तुम बोलो जी ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या है, जो हर जगह मिले, फाउंड एवरीवेयर। ये बायोलॉजी में तीनों वर्ड्स इंग्लिश के बहुत आते हैं, जो ये पहले याद रख लेना, ubiquitous, cosmopolitan, omnipresent, तीनों का मतलब होता है हर जगह मिलना, तो बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। मैंने बताया था युगलिना में पामेला स्टेज होती है, जो चार चार युगलिना अपने बाहर युगलिना कवरिंग में कवर हो जाएगा और चार चार मिलेंगे, ये पामेला एल्गी के अंदर, पामेला एल्गी की तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म चार चार के ग्रुप में मिले तो उसको पामेला स्टेज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी पामेला स्टेज मिलती है। माइकोप्लाज्मा
कैन बी पास्ड थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर. इवन लार्जेस्ट माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर. क्या मतलब इसका? ये एक फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये बैक्टीरियल फिल्टर है. बैक्टीरियल फिल्टर है, इसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते. कितना भी छोटा बैक्टीरिया हो इसको पास नहीं होगा, क्योंकि इसके छेद जो है बैक्टीरिया से छोटे हैं. कोई भी बैक्टीरिया बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं होता, क्योंकि इस फिल्टर के छेद बैक्टीरिया से छोटे, यानी बैक्टीरिया बड़े हैं इसलिए पास नहीं हो पा रहे. लेकिन सबसे बड़ा माइकोप्लाज्मा भी इसमें से पास हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? माइकोप्लाज्मा का साइज इनसे छेद से छोटा है. इसका मतलब छोटे से छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के बड़े से बड़ा है. माइकोप्लाज्मा कितना भी बड़ा हो, बैक्टीरिया कितना भी छोटा हो, बड़े से बड़ा माइकोप्लाज्मा छोटे से छोटा बैक्टीरिया से बड़ा होता है, छोटा होता है. जैसे मैं बोलूं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं. स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर मैं ये बोल दूं 0.2 माइक्रोमीटर का है, सबसे छोटा बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा जो होगा कितना भी बड़ा हो 0.2 से छोटा होगा. स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर 0.2 माइक्रोमीटर का है और वो पास नहीं हो रहा, इसका मतलब जो छेद है वो 0.2 माइक्रोमीटर से, अगर छोटा से छोटा बैक्टीरिया है वो 0.2 माइक्रोमीटर का फिल्टर नहीं हो रहा है इसमें, इसका मतलब ये छेद 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटे इसलिए फिल्टर नहीं हो रहे. लेकिन माइकोप्लाज्मा फिल्टर हो पा रहे हैं, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा इस छेद से बड़े हैं, छोटे हैं. छोटे से छोटा बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर का है और वो पास नहीं हो रहा, तो हम बोले बैक्टीरिया जरूर ये छेद जो है लेस देन 2 माइक्रोमीटर के हो गए. समझाने के लिए बस, अगर सबसे छोटा बैक्टीरिया इतना है तो और फिल्टर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब छेद इससे भी छोटे हैं. लेकिन इस छेद से माइकोप्लाज्मा पास हो जाएगा कितना बड़ा हो, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से छोटे होते हैं इसलिए पास हो जाते हैं. बैक्टीरिया कितना भी छोटा वो पास नहीं होगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा कितना भी बड़ा हो पास हो जाएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा कितना भी बड़ा हो बैक्टीरिया से छोटा ही रहेगा. माइकोप्लाज्मा की वजह से एक बनाना की बीमारी है, बंची टॉप मोह बनाना. माइकोप्लाज्मा की वजह से बीमारी होती है बंची टॉप मोह बनाना. दूसरा कर्ली टॉप ऑफ पपाया, पपाया की कर्ली टॉप और ये हो जाती है. माइकोप्लाज्मा के अंदर 4% डीएनए होता है और 8% आरएनए होता है. माइकोप्लाज्मा में 4% डीएनए और 8% आरएनए होता है. माइकोप्लाज्मा में 80 जो बेस है आर मोर देन जीसी बेस. ये डीएनए में बेस नाम की चीज होती है, और इसके अलावा अब हम आगे आते हैं. रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे एंथ्रेक्स, टीबी और कोलेरा, इनके बैक्टीरिया. एंथ्रेक्स बीमारी, टीबी और कोलेरा, इनके बैक्टीरिया की डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी. आगे आते हैं. अमीनो एसिड्स, पहले सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, डी और एल. डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लीवर रोटेटरी. जब किसी सॉल्यूशन में से लाइट जाती है वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए, जब किसी सॉल्यूशन में लाइट जाए और लेफ्ट में घूम जाए, तो उसको लीवर रोटेटरी बोलते हैं. एल फॉर लीवो मतलब लेफ्ट.
लाइट रोटेटेड टुवार्ड लेफ्ट साइड, और लाइट जाए राइट में घूम जाए, रोटेटेड टुवार्ड राइट, तो उसको डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं। नॉर्मली अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉर्मली अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में से लाइट जाएगी तो वो लेफ्ट में घूमती है, अमीनो एसिड एल होते हैं, लगभग अमीनो एसिड एल होते हैं, लेफ्ट उसमें से लाइट जाएगी तो लेफ्ट में घूमेगी। लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में किस टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल में अमीनो एसिड्स जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो बता रहा हूँ। ग्लूटामिक एसिड बैक्टीरिया की सेल वाला मिलेगा, वो डी वाला मिलेगा। इस दुनिया में हर जगह ग्लूटामिक एसिड डी एल होता है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वाला में डी है। एलेनिन अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड है एलेनिन, ये बैक्टीरिया की सेल वाल में एल भी मिलते हैं और डी भी मिलते हैं, यानी नॉर्मली तो सारे अमीनो एसिड एल है तो वो एल वाला तो मिलेगा, डी वाला मिलता है, तो दो अमीनो एसिड जो अजीब मिल जाए बैक्टीरिया की सेल वाल में, ग्लूटामिक एसिड एल होना चाहिए डी है, एलनिन भी नॉर्मल भी है और डी वाला भी है, जो एक अमीनो एसिड है जो प्रोकैरियोट के अलावा कहीं नहीं मिलता, डाई अमीनो पामेलिक एसिड। दिस अमीनो एसिड इज फाउंड इन प्रोकैरियोट ओनली, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलती, प्रोकैरियोट के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन इस दुनिया में कोई नहीं करता, कीमोसिंथेसिस इस दुनिया में बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं करता, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं करता कीमोसिंथेसिस, उसी तरह से प्रोकैरियोट के अंदर ही ये अमीनो एसिड मिलता है डाई अमीनो पामेलिक एसिड, और कहीं नहीं मिलता। मैंने लिपोपॉलीसेकेराइड वर्ड इस्तेमाल किया था, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपो मतलब लिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है पॉलीसेकेराइड यदि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता था, लिपोपॉलीसेकेराइड जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है, लिपोपॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड मिलता है, और इसकी वजह से पैथोजेनिसिटी होती है, बीमारी करने की पावर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की वजह से होती है। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज डिजीज, बीमारी के लिए वर्ड पैथो आ जाता है, कहीं नहीं होती पैथोलॉजिकल लैब जो बीमारी के ढूंढने में काम आती है, पैथो का मतलब बीमारी, बीमारी कर पाने को पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बीमारी इसलिए कर पाता है कि उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजला, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजला मोनोस्टैंडेड है, एक धागा से होता सीधा मोनोस्टैंडेड, जबकि यूकेरियोट का फ्लैजला उसके अंदर कई ट्यूब होती है तो बोलेंगे मल्टी स्टैंडेड। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजला में एक स्टैंड एक धागा होता है, यूकेरियोट में कई धागे होते हैं अंदर फ्लैजला के अंदर, तो मल्टी स्टैंडेड होते हैं। ये शायद मैं करवा चुका हूँ, पेरी प्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, ये सेल वाल है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ये लाइसोसोम की तरह से काम करता है, लाइसोसोम की तरह से काम करता है। मैंने बताया क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए नॉर्मल प्लांट में या तो क्लोरोफिल ए को पी बोलते हैं, या तो 680 होता है या 700 होता है, नॉर्मली क्लोरोफिल ए जो है फोटोसिंथेसिस में काम आता है। अगर ये 680 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करे तो बोलें पी 680, 700 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करेगा बोलें पी 700। लेकिन
प्रोकैरियोट में, साइनोबैक्टीरिया वगैरह में क्लोरोफिल ए होता है, उसका नाम है P890 की लाइट अब्जॉर्ब करेगा ये जो है। टॉक्सिन मैंने बताई थी, एक्जोटॉक्सिन क्या होती है, एक्जो एंडोटॉक्सिन में पहले बता रखी है एक्जोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन मैंने शुरू में बताई थी। एक्जोटॉक्सिन पानी में घुल जाती है, वाटर सोल्युबल होती है, हीट से टूट जाती है, इसलिए बोलते हीट लेवाइल होती है, और टिश्यू स्पेसिफिक सेलेक्टेड टिश्यू पर ही काम करती है, सभी पर काम नहीं करती। और एक्जोटॉक्सिन में कोलेरा भी था, टिटनेस में भी एक्जोटॉक्सिन रिलीज होती है, डिफ्थीरिया बीमारी में भी एक्जोटॉक्सिन रिलीज होती है, जबकि एंडोटॉक्सिन तो हम बोलेंगे गोनोरिया बीमारी जो है उसमें एंडोटॉक्सिन होती है, और ये हीट से ख़त्म नहीं होती इसलिए इसको हीट स्टेबल बोलेंगे, हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। और सिगेला बीमारी में भी ये एंडोटॉक्सिन ही होती है। तो प्रोकैरियोट सबसे दुनिया के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म, तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स या मोनेरा बैक्टीरिया दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है। ये एक कोकस बैक्टीरिया को मैंने कहा था माइक्रोकोकस, और चार हो तो क्या बोलोगे, टेट्राकोकस। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नाम है माइक्रोकोकस लूटियम, स्किन में मिलता है, माइक्रोकोकस लूटियम स्किन में मिलता है, ये अकेला भी मिलता है, चार चार के ग्रुप में मिलता है। अच्छा, दांतों में एक मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये बैक्टीरिया टीथ में मिलता है। पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया वो होता है जिसकी शेप बदल जाए, अलग अलग शेप में आ जाए, माइकोप्लाज्मा भी पिलियोमॉर्फिक है और अजोटोबैक्टर भी पिलियोमॉर्फिक है, जिनकी शेप बदलती रहे उनको पिलियोमॉर्फिक बोलते हैं। अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया भी पिलियोमॉर्फिक है और माइकोप्लाज्मा भी पिलियोमॉर्फिक है, यही रोक रहा हूँ मैं।